हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं नीम तुक से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। थोड़ा बहुत अनुभव है मुझे किस तरह से शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के शेयरों से दूर रहना चाहिए। तो आज शेयरों में जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो आज हम बात करेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो पर। डेप्ट इक्विटी रेशियो होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, और किसी शेयर के इन्वेस्टमेंट में कैसे हम इसको देखें, कहाँ से देखें और क्या हम निष्कर्ष निकालें। तो सबसे पहले तो इसको जानने से पहले हमको ये जान लेते हैं, जैसे हम एक कोई भी नौकरी पेशा करते हैं तो हम भी कर्ज लेने जाते हैं, तो हमारी भी कर्ज लेने की एक क्षमता होती है। जैसे आपने कोई कर्ज लेने के लिए अप्लाई किया होगा, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, तो हमारी जो भी इनकम होती है उस इनकम के आधार पर ये तय करते हैं कि हमको आपको कितना कर्ज देना है। सामान्यतः यह देखने में आता है कि जितना हमारा मंथली इनकम होता है उसका 40-50% वो ये मान के चलते हैं कि हम उतना हम ईएमआई पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 50,000 रुपया हमारी सैलरी है, 50,000 का 20-40% 40-50% सॉरी 40-50% यानी 20 से 25 हजार रुपया ये मान के चलते हैं कि हम उसका ईएमआई पे ईएमआई में खर्च कर देते हैं। बाकी जो बचते हैं पैसे 50% उसमें हम अपने घर के खर्चे निपटाएंगे, बच्चों की फीस हो गया, अपने जो भी रहने खाने का खर्च होता है उसको हम करेंगे। तो हम मात्र चाह लें कि हमको ढेर सारा कर्ज मिल जाए तो कर्ज कुछ मिलता नहीं है, हमारी क्षमता के आधार पर होता है। उसी तरह से जब कंपनियां कर्ज लेने जाती हैं तो कंपनियों में भी कर्ज लेने की एक क्षमता होती है। जब वो क्षमता, जैसे वो कर्ज ज्यादा लेना चाहते हैं तो उनकी एक क्षमता निर्धारित होती है कि ये कितने तक वो लोन, कितने तक वो कर्ज ले सकते हैं। वो जो क्षमता होती है, एक तरह से देखा जाए तो सामान्य रूप से डेब्ट इक्विटी रेशियो के रूप में दिखाया जाता है। कई बार कंपनियां क्या करती है कि अपने बिजनेस एक्सपेंशन को दिखा करके, बिजनेस पोटेंशियल को दिखा करके ढेर सारा कर्ज ले लेती है। इसके अतिरिक्त और क्या करती है कंपनियां कि जब बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और भी कर्ज की जरूरत होती है, जो लालच वाले प्रमोटर होते हैं बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं या बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कर्ज बिल्कुल अपने नाक के ऊपर से भी ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तो कर्ज बहुत अधिक हो गया, फिर क्या करते हैं ऊपर से जो अपने स्टॉक्स होते हैं उस स्टॉक को भी गिरवी रखना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो मान लीजिए हमारी जो भी सैलरी है उस सैलरी से जितना लोन ले सकते उतना लोन हम ले, और फिर भी हमें कर्ज लेना हो तो हम क्या करते हैं, तो घर के सामानों को गिरवी रखना शुरू कर देते हैं। गिरवी रख करके कि जब हमारा उस पैसा होगा हम पैसा छुड़ा लें। तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती है, कंपनियों के मामले में भी बहुत ही खराब स्थिति होती है। तो हमें डेब्ट डेब्ट देखना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखना है और फिर हमें प्लेस देखना है। तीन चीजों को हमें नियमित रूप से वाच करते रहना चाहिए। तो कंपनियों के कर्ज कि क्षमता कैसे निर्धारित होती है, उनकी जो संपत्ति होती है, जो इक्विटी होती है, उसके आधार पर कर्ज क्षमता निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः हम बात करते हैं तो जितनी उनकी संपत्ति होती है उतना यदि वो कर्ज लेते हैं तब ये मान के चलिए कि वो सही है। यदि उसके ऊपर वो कर्ज लेने जा रहे हैं इसका मतलब स्थिति खराब होने जा रही है, हमें उस कंपनी से दूर रहना चाहिए, वो एक खतरे का संकेत होता है। तो जितनी संपत्ति होती है उतना, यानी कि तो डेब्ट और इक्विटी दोनों का 1:1 यानी 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो यदि 1 होता है तो मान के चला जाता है कि कंपनी ठीक ठाक है। लेकिन मेरा अपना जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया होता है जब 0.50 से नीचे हो डेब्ट इक्विटी रेशियो तब हमें उस कंपनी में हाथ डालना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 1% भी चल सकता है। जितनी उनकी संपत्ति होती है उतना कर्ज होता है। अब इतना पता चल गया, अब हम इसको कहाँ से पता करें। इसको पता करने के लिए आपको ढेर सारे वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, खुद NSE BSE है, स्टॉक एज है, आपका स्क्रीनर है, बहुत सारी वेबसाइट है। ये बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है कि किस कंपनियों पे कर्ज कितना है, और जिन कंपनियों के ऊपर कर्ज अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, आप उन कंपनियों को उठा के देख लीजिए, कभी वो कंपनियां लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करके नहीं देती, कभी भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं देती।
क्योंकि अपने कमाई का बड़ा हिस्सा जो है कर्ज के भुगतान में दे देती है, जिसकी वजह से उस पैसे जो कर्ज के रूप में भुगतान कर देती है, उस पैसे नहीं होते हैं कि उस पैसे से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो धीरे धीरे करके बिजनेस परफॉर्म नहीं करता है और शेयर होल्डरों का देखेंगे तो वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे आप सुजलाम एनर्जी को देख लीजिए, जेपी पूरे जेपी ग्रुप को देख लीजिए, वीडियोकॉन को देख लीजिए, किसी ज्वेलर्स को देख लीजिए, फिर आपके वो कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं, जो किशोर बियानी वाली ग्रुप है, बिग बाजार वगैरह, वो उसको भी देख सकते हैं। आपका जेपी जेपी ग्रुप तो मैंने बता ही दिया, फिर वो है जैन इरिगेशन है, इससे ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कर्ज तले दबी हुई है और उन कंपनियों ने लॉन्ग रन में पैसा नहीं बना और न ही बना करके देंगे। बहुत सारे बिजनेस अच्छे जो होते हैं वो सामने से अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे जाएंगे, जब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तब मालूम चलता है कि कितना खराब बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर फ्यूचर ग्रुप को ही ले लेते हैं, बिग बाजार वगैरह को बिजनेस ले लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कितना बेहतरीन बिजनेस था किशोर बियानी ग्रुप का फ्यूचर, उसी में उन्होंने कई बिजनेस को अलग अलग लिस्ट कराए पैसे के लिए, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर इंटरप्राइजेज, फ्यूचर फैशन, बिग बाजार, इन सभी कंपनियों को उन्होंने अलग अलग मार्केट में लिस्ट कराए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। और फिर क्या किए कि अभी भी उनकी प्यास नहीं बुझी, किशोर बियानी की यानी प्रमोटर की प्यास नहीं बुझी, उन्होंने क्या किया कि अपने स्टॉक को प्लेज करना शुरू कर दिया। 90% स्टॉक जो उन्होंने प्लेज करके पैसा उठाया, और लास्ट में क्या हुआ, इतनी खराब स्थिति हो गई कि पूरे बीस बाजार को ये रिलायंस को बेच दिए हैं, उस पर डील चल रही है उस पर। इसी तरह से आप कोई भी डब्ल्यू शुगर उठाइए, अभी हाल ही में जो आपका दीवार हाउसिंग फाइनेंस को देख लीजिए, डब्ल्यू से बढ़ा, और आप उठाना चाहते हैं आप सीजी पावर को देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर जो कंपनी थी, डेब्ट के चलते कंपनी नीलाम हो गई और आज के डेट में उसका प्रमोटर चेंज हो गया, मुरुगप्पा जो की कंपनी है। इसी तरह से आप उठाएंगे एस्सार की भी प्रॉब्लम, बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां हैं। देखिए आपका ये आलोक इंडस्ट्री रही, उसकी भी स्थिति खराब थी, भूषण स्टील रही, उसकी भी स्थिति खराब थी। तो हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो को ध्यान से देना है, देखना है। तो कहां से हम देखें, मेरे लिए सबसे अच्छा जो होता है, मैं स्टॉक एज ऐप सबसे इजी टू यूज है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, स्टॉक एज ऐप का हम चलते हैं और देखते हैं कैसे हम कर्ज की स्थिति हम जानेंगे। तो जैसे हम किसी भी कंपनी को, कोई कंपनी हम उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हम उठा लेते हैं, जैसे सुजलाम एनर्जी को उठा लेते हैं, शुरू से हम शुरू करते हैं। हम क्या गए सुजलाम एनर्जी को हम वॉच किए, और सुजलाम एनर्जी को हम जाते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी को खोलेंगे तो सबसे पहले हमको आपको ऐसे उसका इंटरफेस खोल करके आएगा। किसी भी कंपनी को खोलेंगे, सुजान एनर्जी का खोला, अब आप हम देखिए इसका पहले 5 साल का चार्ट क्या है, परफॉर्म किया है इसने, देखिए ये कैसे बहुत ही 2016 से देखिए कितना मतलब, तो बहुत ही बेकार तरीके से इस स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। हमें इसको कर्ज डेप्रिसिएशन देखना है, हम पहले जाएंगे फंडामेंटल में, कर्ज जो स्थिति होती है फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट वो उसमें आता है, और कर में जब हम आएंगे तो हम रेशियो में जाना है, रेशियो में आएंगे सॉल्वेंसी, देखिए एक पर इसको ओवरव्यू करना, ये ओवरव्यू खुल के आता है, हम रेशियो में जाएंगे, जब रेशियो में आएंगे तो यहाँ से पहले रिटर्न रेशियो जाता है, ये खुल के आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पहले आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड आता है, इसी में जब रिटर्न रेशियो में जाएंगे तब आप इसमें एक सॉल्वेंसी रेशियो जाता है, ये सब अब आप इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए 2016-17 में, 2017 में -1.61, 2018 में -1.71, 1.36, 1.20। देखिए 2020 में इसने कर्ज कुछ कम किया लेकिन फिर 2021 में बढ़ गया, लगभग 2% पहुंचने जा रहा है। और डेब्ट देखिए नेटवर्थ इक्विटी के रेशियो, इसका नेटवर्थ जो है 6,841 करोड़ का है, कर्ज है 11,114, 6,966 करोड़ की कर्ज है, संपत्ति है, कर्ज है 11,995। यानी अब आप देखिए आज के डेट में इनकी जो नेटवर्थ है घटते घटते कितना हो गया है, 3,343 करोड़ की हो गया,
और कर्ज कितना है 6,858 करोड़ का, यानी बहुत ही ज्यादा कर्ज है। ऐसी कंपनियां कभी भी परफॉर्म नहीं करती है, आप इनके परफॉर्मेंस देख लीजिए चाहे तो। अभी जो 5 सालों में ये -52% है। ऐसी कंपनियां तब ज्यादा परफॉर्म करती है शॉर्ट टर्म में, जब कोई कर्ज ब्याज दर कम होने होते हैं या कोई विशेष परिस्थिति होती है तब, लेकिन लॉन्ग रन में कभी पैसा बना नहीं। इसी तरह से अब आप जेपी पावर को देखिए, जेपी की तो अब जेपी पावर, अब जेपी पावर को आप उठा के देखिए, पहले इसका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ से। अब देखिए इसने 5 सालों में 8.69% रिटर्न दिया है, लॉन्ग रन में कुछ भी इसने पैसा बना के नहीं दिया है। मेरा अपना मानना है कि जो कंपनी 5 साल में कम से कम 50% से ऊपर का रिटर्न तो देना चाहिए, एफडी का रिटर्न होता है, यदि आप 50% रिटर्न ऊपर नहीं दे रही है तो मत इन्वेस्ट करिए। या ऐसी कंपनी में जो कर्ज वाली स्थिति होती है, हम तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उस कंपनी में लगातार कर्ज कम हो रहा है, मैनेजमेंट सक्रिय है उस कर्ज को कम करने के लिए। उसी टाइप की कंपनी है जेपी पावर, इसके फंडामेंटल चलते हैं और कर्ज की स्थिति देखते हैं, रिटर्न रेशियो देखिए। इसकी कर्ज की स्थिति इतनी खराब है, अब आप देखिए आरओई जो है, देखिए -15 था, -19 था, -4 था, -31 था, अब जाकर के 21 में जो है आरओई इसकी कुछ सुधरी है, प्लस हुआ है। आरओसी और आरओई देखिए दोनों जो है अब कुछ जाकर के कुछ बेहतर हुए। इसे चलते हैं कम कर्ज, चलते हैं कर्ज, कर्ज में देखिए पहले क्या था, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.56, 3%, 3.14%, 0.6%, 0.51%, यानी जो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है लगातार सुधर रही है जी। और आप देखिए कर्ज, अब देखिए नेटवर्थ और कर्ज से तुलना, तो अब आप देखिए 2017 में जो है इसका नेटवर्थ था 9,367 करोड़, सॉरी 9,387 करोड़, कर्ज कितना था 23,994, यानी कर्ज इसके दोगुने से भी अधिक कर्ज था। 2018 में चलिए तो 7,789 करोड़ का नेटवर्थ था, कर्ज कितना था 23,416। इसी तरह से आप 2019 में चले जाइए, 2020 में चले जाइए, 2020 से कर्ज करता कम कर 9,998 करोड़ का कर्ज है, 6,000 सॉरी नेटवर्थ 9,998 करोड़ का है, कर्ज है 6,023 करोड़ का। फिर देखिए नेटवर्थ बढ़ा 2021 में 10,282 करोड़ संपत्ति हुई, कर्ज कितना हो गया 5,256, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्ज की स्थिति लगातार बेहतर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेपी पावर जो है आज की डेट में हॉट स्टॉक बना हुआ है। यदि थोड़ा सा पैसा 2,000-4,000 रुपये लगा करके छोड़ दिया जाए, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 0.5% लगा के छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक गेम खेला जाए तो जेपी पावर आपको अच्छा पैसा बना करके देगा। इसी तरह से कोई भी कंपनी को आप सर्च करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हम माइंडी को सर्च करते हैं, माइंडी को देखिए इसका कर्ज, अब देखिए इसका परफॉर्मेंस देखिए आप 5 साल का, ये 5 साल में उसने 846 करोड़, 5 साल में 8 गुना किया हुआ है। फंडामेंटल चलते हैं कर्ज की रेशियो चलते हैं, डेट सॉल्वेंसी में देखते हैं, सॉल्वेंसी में जाएंगे देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है, जीरो है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसी तरह से और भी कंपनी बात करते हैं, जो भी कंपनी हम लेते हैं सब सभी कंपनियां हैं, जैसे आप डाबर को देखिए, डाबर इंडिया को देखिए, पहले परफॉर्मेंस देखिए 5 साल में, 5 साल में 107% कर्ज की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए इसका सॉल्वेंसी रिपोर्ट जीरो है, यानी बिल्कुल डेब्ट फ्री की तरह से। और आप देखना चाहते हैं तमाम बोरोसिल देख लीजिए, बोरोसिल डेब्ट देखिए, अब तो नई नई कंपनी लिस्ट हुई है, फंडामेंटल देखिए डेप्ट सॉल्वेंसी रिपोर्ट देख सकते हैं, ये देखिए इनका भी 0.13%, यानी कुल मिलाकर के मेरा ये है कि जिस कंपनी में कर्ज की स्थिति अच्छी होती है वो कंपनियां निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर्षक होती है, जिन कंपनियों में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक होती है हमें उन कंपनियों को निवेश के लिए मतलब दूरी बनाकर रखना चाहिए। मैक्सिमम यदि हम लेना चाहते हैं तो 1.5
डेब्ट टू रेशियो है हमको वो लेना चाहिए। और यदि आदर्श रूप में हम जाना चाहते हैं तो 0.50 जिस कंपनी का डेब्ट टू रेशियो है हमें उसको निवेश के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और यदि हम हाई डेब्ट कंपनियों में निवेश करना भी चाहते हैं तो हमें उसके पिछले कई सालों का देखना चाहिए कि कर्ज की स्थिति बेहतर हो रही है कि कर्ज की स्थिति खराब हो रही है। यदि कर्ज नियमित रूप से भुगतान हो रहा है और लगातार कम हो रहा है तो हमें उसे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रखना चाहिए, जैसे आपका जेपी पावर है। और यदि कंपनी में लगातार डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो फिर हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट अपने बस में नहीं होता है, तो जब इंटरेस्ट रेट जब जब बढ़ेगा तब तक तो उस कंपनी की वित्तीय हालत और खराब होगी, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।